सन पिक्चर्स तमिल फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस है और इसी हाउस के बैनर में एंथिरान, सरकार और अपकमिंग बीस्ट जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में आई है। दोस्तों आज मैं ऐसे ही प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स के अंडर में बनने वाली फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। वन एंथिरान और ये 2010 में आई तमिल का नंबर वन राइटर एस शंकर का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जहाँ पर थलाइवर रजनीकांत को लीड रोल में नजर है और इसमें थलाइवर का डबल रोल दिखाई है, एक तरफ वसी गरान दूसरी तरफ चिट्टी और ऐसे करके साइंटिस्ट वसी और रोबोट चिट्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और जब इस फिल्म का कैटेगरी उस वक्त ऑडियंस के बीच में काफ़ी डिफरेंट था और एक न्यू कॉन्सेप्ट था और इसी वजह से ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया है। और बता दोस्तों ये फिल्म 2010 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म था और जो फिल्म तमिल का फर्स्ट फिल्म है जो 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पार किया है। और बता दोस्तों एंथिरान फिल्म लगभग 2 साल तक थिएटर पर काफ़ी सक्सेसफुली रन किया है जहाँ पर इसका बजट था 130 करोड़, इंडिया पर कलेक्शन रहा 220 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 295 करोड़ और ये फिल्म रहा इंडस्ट्री हिट। नंबर टू सरकार और 2018 में आई मुरुगा दोस का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म जहाँ पर थलापति विजय को लीड रोल में नजर आई है और इसमें कॉर्पोरेट मॉन्स्टर यूएसए से वापस आते हैं और उनका वोट से जुड़ा कर कहानी को दिखाई है। और बता दोस्तों सरकार फिल्म अपने फर्स्ट 2 डेज में ही फर्स्टेस्ट 100 करोड़ क्लब पर अपने नाम लिखाई है जहाँ पर इसका बजट था 115 करोड़, इंडिया पर कलेक्शन रहा 185 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 255 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर 3 पेट्टा और इस लिस्ट पर और एक बार शामिल है थलाइवर रजनीकांत का एक्शन ड्रामा फिल्म और जो 2019 में आई। और बता दोस्तों इसमें काली और एक ग्रुप ऑफ ड्रेडेड गैंगस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और इस फिल्म को मिला है मिक्स्ड रिव्यू जहाँ पर इस फिल्म का परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी और साउंड ट्रैक को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था पर इस फिल्म को एक्सेस लेंथ की वजह से मिला है नेगेटिव रिव्यू जहाँ पर इसका बजट था 160 करोड़, इंडिया पर कलेक्शन रहा 170 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 235 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा एवरेज। नंबर 4 कंचना 3 और 2019 में राघव लॉरेंस का एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म आई कंचना 3 और सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल हॉरर फ्रेंचाइज माना जाता है कंचना को जहाँ पर राघवा को हुई लीड रोल में नजर है और जहाँ पर ट्रांसजेंडर वुमेन से जुड़ा कर रिवेंज स्टोरी को दिखाई है। पर यह सिक्वल फर्स्ट और सेकंड की तरह उतना हाइप पर नहीं था जहाँ पर इसका बजट था 40 करोड़, इंडिया पर कलेक्शन रहा 116 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 135 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपरहिट। नंबर 5 नामा वेटू पिल्लाई और ये 2019 में डॉक्टर पांडिराज का एक्शन ड्रामा फिल्म जहाँ पर कॉलीवुड का प्रिंस शिवा कार्तिकेयन को लीड रोल में नजर है और इसमें भाई को फंसा कर कैसे उसके बहन के साथ एक क्रिमिनल की शादी करवाई जाते हैं वही इसमें दिखाई है और ये फिल्म फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था जहाँ पर बजट था 40 करोड़, इंडिया पर कलेक्शन रहा 60 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 78 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर 6 अन्नाथ है और ये 2021 में आई थलाइवर रजनीकांत का एक्शन ड्रामा फिल्म जहाँ पर थलाइवर के साथ कीर्ति सुरेश, साउथ लेडी सुपरस्टार नयनतारा और जगपति बाबू भी लीड रोल में नजर आई है और इसमें भाई और बहन के बीच में रिलेशन को दिखाई है। और बता दोस्तों इस फिल्म को मिला है मिक्स्ड रिव्यू और जहाँ पर इस फिल्म पर एक्सट्रीम वायलेंस और सेंटिमेंट नजर आई है जहाँ पर बजट था 150 करोड़, इंडिया पर कलेक्शन रहा 160 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 210 करोड़ और ये रहा एवरेज। नंबर 7 इथर कुम थुरिन धवन और ये 2022 का मारा सूर्या का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और जहाँ पर बैक टू बैक ओटीटी पर दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद सूर्या का ये फिल्म रिलीज हुआ था थिएटर पे जहाँ पर कन्ना वीरन कैसे वुमेन्स वायलेंस के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई है और इस फिल्म को मिला है मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर इसमें सूर्या का परफॉर्मेंस रहा काफ़ी धमाकदार जहाँ पर बजट था 75 करोड़, इंडिया पर कलेक्शन रहा 108 करोड़ और वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 200 करोड़ और ये रहा एवरेज। नंबर 8 बीस्ट और ये फिल्म 2022 का मोस्ट हाइप अपकमिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पर इसको डेट करी है ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉक्टर का डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने और इसमें थलापति विजय के साथ पूजा हेगड़े को नजर आएंगे
और तो दोस्तों इसमें विजय ने प्ले करने वाले हैं एक सोल्जर का रोल, जहाँ पर शॉपिंग मॉल में टेररिस्ट के इसमें विजय को इनिटस फाइटिंग करते हुए नजर आएंगे, और जिसमें विजय का एंट्री सीन रहा काफी डेयरिंग और डैशिंग। और सभी लोग जानते हैं कि बिस्ट का गाना अरबी कुथु और ट्रेलर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, और जहाँ पर 24 आवर के अंदर अरबी कुथु रहा साउथ का मोस्ट व्यूड और मोस्ट लाइक वाला गाना। दूसरी तरफ 24 आवर के अंदर बिस्ट का ट्रेलर 30 मिलियन व्यूज और साथ में 2.2 मिलियन लाइक क्रॉस किया है, ऐसा करके ये भी किया है एक नया रिकॉर्ड। और बिस्ट का बजट है 150 करोड़, और इस बिस्ट के लिए थलापति विजय ने चार्ज किया है लगभग 100 करोड़, और ऐसे करके विजय ने 100 करोड़ क्लब पर अपने नाम लिखाई है। और अगर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करूं तो ट्रेड एनालिसिस के मुताबिक और साथ में हाइप का मुताबिक बिस्ट का फर्स्ट डे पर लगभग 100 करोड़ का ओपनिंग ले सकते हैं। और अगर लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करूं तो बिस्ट फिल्म 350 से 400 करोड़ तक कलेक्शन कर सकते हैं। आप बिस्ट के लिए कितना एक्साइटेड है और आपको क्या लगता है बिस्ट का फर्स्ट डे और लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा? नंबर 9 थिरुचि त्रम्बलम, और ये अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डेट कर है मिट्रन ने, और इसमें धनुष राजा को लीड रोल में नजर आएंगे, और साथ में होगा प्रिया भवानी शंकर, राशि खन्ना, नीथिया मेनन और प्रकाश राज। और बताए दोस्तों इसी फिल्म का म्यूजिक कंपोजर पर है रॉकस्टार अनिरुद्ध ने, और धनुष राजा का इसी फिल्म को 1 जुलाई रिलीज करने का प्लान है। नंबर 10 VGS 46, और बताए दोस्तों ये फिल्म मक्कल सिलवान विजय सेतुपति का अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसको डेट करी है पुनराम ने, और इसमें विजय को काफ़ी डिफरेंट पावरफुल एक्टर में नजर आएंगे, और जिसका शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है। नंबर 14 चंद्रमुखी 2, और जहाँ पर यह है थलाइवे रजनीकांत का इंडस्ट्रीट फिल्म चंद्रमुखी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और इसका सेकेंड पार्ट पे थलाइवर नहीं बल्कि राघवा लॉरेंस को लीड रोल में नजर आएंगे, और साथ में होगा साउथ का लेडी सुपरस्टार अनुष्का शेट्टी। और अतः दोस्तों इसमें राघवा ने किंग वेट्टायान का रोल प्ले करी है, और इसका बजट काफ़ी हाई रखा गई है, और इसका बजट है 100 करोड़, और अभी ये फिल्म है प्री प्रोडक्शन स्टेज पर। तो उसे ये रहा बीस्ट का प्रोड्यूसर सन पिक्चर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में, और सब फिल्मों से कौन सा आपका फेवरेट है कमेंट पे बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और इसके बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।